हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के सेशन में मैं बात करने जा रहा हूँ AITT एग्जाम फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर आप अपनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आप वेट कर रहे हैं कि कब आपके एग्जाम हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरा शेड्यूल कि आपके एग्जाम कब शुरू होंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे और एक्चुअल में आपके एग्जाम कब होने वाले हैं। तो एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं सभी स्टूडेंट्स को कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो जब आपको रिवील किया जाता है आपकी एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है अप्रेंटिसशिप वाली, तो उसी के साथ साथ आपका एग्जाम ले लिया जाता है, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपका अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है तो आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए। एस्टेब्लिशमेंट क्या है, जहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दीजिए, ठीक। तो ये जो डेट शीट आई है या शेड्यूल आया है ये किस प्रकार से है, देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्रॉइंग सेशनल मार्क्स। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो आपके एग्जाम हैं वो ले लिए जाएंगे आपके एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। अब जो एग्जाम ले लिए उसके जो मार्क्स हैं वो कब अपलोड किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा 5 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, ठीक है। 5 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक ये काम होना है। 19 दिन का टाइम इनको दिया गया है, ठीक। तो 19 दिन के अंदर आपकी एस्टेब्लिशमेंट आपका जो डाटा है अपलोड कर देगी और जितने भी मार्क्स हैं वो सारे पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या होना है, ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, आपको अगर एग्जाम देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हो, वो आप 24 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन करने की वो 10 अगस्त होगी, यानी पूरे 18 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन तो हो गए, अब जो एग्जाम सेंटर आपके कहाँ आएंगे ये काम आपका नहीं है, ये जो एग्जाम लेने वाली बॉडी है उसका काम है। तो ये 11 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक होने वाला है, तो 10 दिन का टाइम इसमें चला जाएगा। अब 20 अगस्त के बाद जब क्या होगा, जो आपके हॉल टिकट हैं वो 23 अगस्त से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और लास्ट जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3 सितंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 3 सितंबर तक अपने डाउनलोड हो गए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको पूरे 12 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ जो आपका CBT एग्जाम है, जो ऑनलाइन एग्जाम होने हैं आपके कंप्यूटर बेस, वो 4 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक चलने वाले हैं, यानी 5 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। तो 5 दिन में से किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है, कोविड की वजह से 5 दिन एग्जाम चलने वाले हैं, वरना 2 दिन में एग्जाम हो सकते हैं। सो 5 दिन एग्जाम चलने वाले हैं, 5 दिन में से कोई भी दिन आपको एक अलॉट किया जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो अब बात आई ये एग्जाम किसके लिए है, क्या जो कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए थे, बच्चे नहीं दे पाए थे, उनके लिए है? जी नहीं, ये जो शेड्यूल है उनके लिए नहीं है, ठीक। ध्यान दीजिएगा इस पे क्या लिखा हुआ है, AITT 111, ठीक है, 111 AITT है। तो ये जो 111 AITT है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो या तो सितंबर या अक्टूबर में अपनी जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है, या फिर जिन्होंने अप्रैल के अंदर अपनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट की है, ठीक। सितंबर 2020 में या मई और अप्रैल 2021 में जिन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट की है उनके लिए ये शेड्यूल है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। तो जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हो पाए थे या फिर जो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे कोविड की वजह से 2019 में और मार्च 2020 में, तो उनके एग्जाम अभी होंगे, उसका शेड्यूल नहीं आया है। तो जैसे ही वो शेड्यूल आएगा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। So, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं अप्रेंटिसशिप रिलेटेड, ITI नोटिफिकेशन रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।